पड़ा मिला या उन्हीं खुद की बाइक नीचे आया था बताया नहीं उन्होंने। ऊपर वाले जौ के दो टुकड़े हो गए, अंदर तो रख नहीं सकते, ये इन्फेक्शन है तो हमारे सारे पपीज मर जाएंगे अगर ये अंदर गया। अब ऐसा करो प्लीज से इसके कोना कोना अच्छे से साफ करो। इसी से अमित कुमार जी ने हमें एक पपी के बारे में कॉल किया जिसका एक्सीडेंट हो गया था। ये बेट ले रहा है, ये तो फोल्ड भी नहीं कर रहा था। तो इसे यहाँ पे लाने के बाद हमें पता चला कि उसके स्पाइन में इंजरी के कारण उसके पीछे के दोनों टांग पैरालाइज थे। फिजियो करेंगे, हम ऐसे फिजियो करेंगे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हम क्या करेंगे, खेलू खेलू करेंगे। ये पालमपुर से जो हमारे पास पपी आया था उसका केस काफी सीरियस था, पर फिर भी हम उसको ले नहीं सके क्योंकि उसका पार्वो वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था। फिर भी क्योंकि हम बाहर के कुछ अनवैक्सीनेटेड पपीज का ध्यान रख रहे थे, क्लिनिक में पार्वो वायरस आ ही गया और लॉलीपॉप ठीक होते होते पार्वो की भेंट चढ़ गया। लेकिन हमारे पास शोक मनाने के लिए समय नहीं था क्योंकि हमारे पास और भी अनवैक्सीनेटेड पपीज थे और सौभाग्यवश प्रोडक्ट टीम के साहिल ने उनमें से एक चुंबक को फॉस्टर करने का फैसला लिया। अब शाम को वो उसका ध्यान रखता है और सुबह क्योंकि वो जॉब पे होता है तो शाइनी चुंबक का ध्यान रखती है। तो अभी हम चुंबक के साथ खेलने जा रहे हैं क्योंकि वो साहिल के कमरे में बंद है क्योंकि उसे पार्वो है तो उसे हमने आइसोलेट किया हुआ है। चुंबक को खाना खिला रहे हैं। हाय चुंबक, कैन यू टेक यू आउट? अभी आजा, ये गुड गर्ल। ओ ये खाना ढूंढ रही है, रख दो तुम नीचे। देखिए कोई भी पपी एक ना एक टाइम पे पार्वो को एक्सपोज जरूर होगा। कोशिश यही है कि जब तक उसकी वैक्सीन और बूस्टर वैक्सीन नहीं लगी हो तब तक हम उसको पार्वो से बचा के रखें। लेकिन फिर भी किसी कारणवश वो पार्वो से एक्सपोज हो जाता है, वो बीमार हो गया, तो ये नहीं कि उसको शेल्टर छोड़ा है जहाँ पे उसकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी बल्कि और पपीज भी खतरे में पड़ जाएंगे। बेस्ट यही है कि आप उसको फॉस्टर करिए, अपने यहाँ पे उसका ध्यान रखिए ताकि वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। अब ये बात सिर्फ पार्वो और पपीज पे लागू नहीं है, ये हमारे पे और सामाजिक बीमारियों पे भी लागू है। बचपन से लेके आज तक हम बड़े होते हैं, बहुत सी सामाजिक बीमारियों से हमारा आमना सामना होता है, पर अगर बचपन में ही हमें वैक्सीन की तरह संस्कार अच्छे दे दिए गए हों तो चांसेस कम है कि हम किसी सामाजिक बीमारी की चपेट में आएंगे। पर फिर भी कोई निश्चित नहीं है ये बात। देखिए हो सकता है कि अपने संगति की वजह से मैं बहुत शराब पीना शुरू कर दूँ, ड्रग्स लेना शुरू कर दूँ और कहीं पे ये मेरी चूक होगी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर पाया, पर कहीं पे ये समाज की भी गलती है जहाँ पे शराब बनती है, बेची जाती है, उसको पॉपुलराइज किया जाता है, हर पार्टी में शराब सर्व होती है। तो जैसे आप बीमार आदमी को डांट नहीं देंगे ना कि देखो तुम बीमार हो गए, उसी तरह अगर कोई शराबी बन जाता है या ड्रग एडिक्ट बन जाता है उसको आपके दुत्कार की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्यार की ज़रूरत है। खैर एक बात और, जैसे ये सामाजिक बीमारियां फैलती हैं ना वैसे ही सामाजिक अच्छाइयां भी फैल सकती हैं और ये आपके हाथ में है। तो अगर आप हमारे मैसेज से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।